तितली परी का जादुई फूलों वाला लहंगा। ये कहानी प्रगति नाम की एक लड़की की है। प्रगति दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन प्रगति बेचारी बहुत गरीब थी। वो अपनी माँ शारदा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। शारदा अपना घर चलाने के लिए जादूनगर गांव के बड़े सेठ मोहन लाल के घर नौकरानी का काम करती थी। शारदा को सेठ के घर काम करते हुए कई साल बीत गए थे, क्योंकि प्रगति के पिता के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब शारदा के कंधों पर आ गई थी। वहीं प्रगति और सेठ की बेटी मौनी दोनों हम उम्र थी, लेकिन मौनी में बहुत ज्यादा घमंड था। जब कभी ज्यादा काम करने की वजह से शारदा की तबीयत खराब हो जाती तो वो अपनी जगह अपनी बेटी प्रगति को काम करने के लिए भेज देती थी। ऐसे ही एक सुबह, अरे आज तू आई है प्रगति, शारदा कहाँ पर है? वो सेठानी जी, माँ को बुखार है, बहुत तेज हो रहा था तो मैंने दवाई देकर उन्हें आराम करने को बोला है। प्रगति ने हाँ में सिर घुमाया और घर के कामों में लग गई। लेकिन वही मौनी, जो कि पहले से ही प्रगति से जलती थी, क्योंकि मौनी दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी और प्रगति उससे बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उसकी जलन का यही कारण था, इसलिए वो कहती है, आज माँ का हाथ आया है, अभी माँ से इसको डांट पड़वाती हूँ। माँ माँ कहाँ है आप माँ? मौनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास आई। माँ ये सब क्या है, ये मेरी इतनी महंगी ड्रेस पर जूस के दाग कैसे पड़ गए? वो देखो माँ, प्रगति के हाथ में जूस का जग है, जरूर इसने जानबूझकर मेरी ड्रेस पर जूस गिराया होगा। माँ ये मेरे जन्मदिन की ड्रेस है, आपको पता है ना मैं स्पेशली कितनी महंगी खरीद कर लाई थी। प्रगति इधर आ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे आँखों की अंधी, तूने मेरी बेटी के जन्मदिन की ड्रेस को खराब कर दिया, पता भी है कितने की ड्रेस है ये? सेठानी जी, मैंने तो कोई भी जूस नहीं गिराया, ये जग तो मैं गार्डन से उठा कर लाई हूँ। माँ मुझे कुछ नहीं पता, मेरी ये ड्रेस खराब हो चुकी है, अब मुझे नई ड्रेस दिलवाओ बस, और इसके पैसे काट लो, इसे इस महीने के एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। मौनी ये सब कह ही रही थी कि तभी उसके पापा वहाँ पर आ जाते हैं। अरे इस महीने के पैसे काटने की क्या जरूरत है बेटी मौनी, इससे अपने जन्मदिन पर घर के सारे काम करवाओ, सुबह से लेकर रात तक जो भी मेहमान आएंगे सबकी खातिरदारी यही करेगी। हाँ जी यही बिल्कुल ठीक रहेगा। सुन प्रगति, दो दिन बाद मौनी का जन्मदिन है, तो दिन भर मौनी के जन्मदिन के सारे काम देखेगी और एक भी काम गलत नहीं होना चाहिए, समझी? ठीक है सेठानी जी, मैं आ जाऊंगी। उसके बाद प्रगति घर आ गई और उसने अपनी माँ को वो सारी बातें बताई। ये सुनकर उसकी माँ ने कहा, प्रगति मेरी बच्ची, कल मेहमान आएंगे, उनके सामने मैं सोच रही थी कि तू कोई अच्छा सा लहंगा पहन ले, मेहमानों के बीच पुराने कपड़े पहनते अच्छा नहीं लगेगा बेटी, लेकिन तेरे सारे कपड़े तो किनारों से फट गए हैं और तेरे पास कोई लहंगा भी नहीं है। वही तो माँ, मेरे पास तो कोई लहंगा ही नहीं है जो मैं पहनकर जा सकूं। छोड़िए ना माँ, पुराने कपड़े पहनने में कौन सी बुराई है। बहुत रात हो चुकी थी, प्रगति अपने आंगन में बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी प्रगति की नज़र एक तितली पर जाती है जिसके पंख एक झाड़ी में फंस गए थे, और वो तितली उस झाड़ी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर प्रगति पेड़ों की उस झाड़ी के पास जाती है और बहुत ही आराम से उसके पंखों को झाड़ी से छुड़ा देती है। तुम बहुत अच्छी हो प्यारी लड़की, तुमने मेरे पंख झाड़ी से छुड़ा दिए, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा था। बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, मैं देख रही थी कि तुम वहाँ बैठी हुई कब से रो रही थी, पर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी क्योंकि मेरे पंख यहाँ झाड़ियों में फंसे हुए थे। मुझे बताओ तुम्हारी
उदासी का कारण क्या है? तुमने उदास मन होते हुए भी मेरी तरफ ध्यान दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्यारी तितली, कल सेठानी की बेटी मौनी का जन्मदिन है, पर मेरे पास पहनने के लिए कोई लहंगा ही नहीं है, इसीलिए मैं बहुत उदास हूँ। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए फूलों का लहंगा तैयार करती हूँ, तुम उसे पहन कर जाना, तुम बहुत सुंदर लगोगी। अभी रुको जरा। फिर वो नन्ही सी तितली इधर उधर मंडराती है और देखते ही देखते प्रगति के हाथ में बहुत ही सुंदर फूलों का लहंगा आ जाता है, जिसे देखकर प्रगति बहुत खुश हो जाती है। प्यारी तितली, ये फूलों का लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। शुक्रिया प्यारी तितली। इसके बाद वो तितली वहाँ से उड़ गई। इतना सुंदर लहंगा मिलने से प्रगति बहुत खुश थी। प्रगति ने घर के अंदर जाकर वो लहंगा अपनी माँ को भी दिखाया। शारदा भी फूलों का इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह प्रगति, ये फूलों का लहंगा तो बहुत सुंदर है। देखना, मेरी बच्ची पूरी पार्टी में सबसे सुंदर लगेगी। अब तुम्हें सोने जाना चाहिए, नहीं तो सेठानी जी गुस्सा करेंगी अगर तुम सुबह में लेट हो गई तो। ठीक है माँ, आप भी सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। फिर अगले दिन मौनी का बर्थडे था। पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था और सारे मेहमान भी आ गए थे। प्रगति भी अपना सुंदर सा फूलों वाला लहंगा पहनकर पार्टी में आ जाती है। वही मौनी अपने एक फ्रेंड अर्जुन से बात कर रही होती है। अर्जुन दिखने में बहुत ही हैंडसम और अमीर था और वो मन का अच्छा और बहुत ही शांत था, इसलिए वो मौनी की झूठी शान बान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। थैंक यू सो मच अर्जुन, तुम नहीं जानते तुमने यहाँ आकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ। अरे प्रगति, इधर आना। प्रगति कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लेकर वहाँ पर आती है, लेकिन मौनी का फ्रेंड अर्जुन प्रगति को ही देखे जा रहा था। लेकिन मौनी पहले ही समझ चुकी थी कि अर्जुन का ध्यान प्रगति पर है, इसलिए वो जानबूझकर प्रगति को नीचा दिखाने के लिए उसके पैर में अपने पर्स से कुछ मोती निकालकर जमीन पर गिरा देती है, जिसकी वजह से प्रगति का पैर फिसल जाता है और वो कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लिए हुए जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। पर मौनी ये नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करते हुए अर्जुन पहले ही देख चुका है, और मौनी को ऐसा करते हुए देखकर प्रगति उदास मन से रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। पर उसी बीच अर्जुन भी पार्टी छोड़कर जाने लगता है। तभी उसी समय मौनी कहती है, क्या हुआ अर्जुन, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो केक काटना बाकी है। मैं ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रुक सकता जहाँ किसी निर्दोष का अपमान हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मौनी तुमने उस लड़की प्रगति को जानबूझकर अपने पर्स से कुछ मोती जमीन पर फेंक कर उसे गिराने की कोशिश की थी। अब से मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। फिर अर्जुन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके दो तीन दिन तक शारदा और प्रगति काम पर नहीं आई। प्रगति उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी अर्जुन अपनी मम्मी पापा के साथ उसके घर आता है। आंटी जी, मैं प्रगति को बहुत पसंद करता हूँ और मैं प्रगति से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने मम्मी पापा के साथ आया हूँ। बिल्कुल बहन जी, प्रगति के बारे में जैसा अर्जुन ने बताया था, प्रगति बिल्कुल वैसे ही सुंदर है। हमें प्रगति बहुत पसंद है, बस आप शादी की तैयारियां कीजिए और हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। सबकी बातें सुनकर प्रगति शर्मा जाती है, साथ ही वो बहुत खुश भी थी। वहीं शारदा बेहद खुश थी कि उसकी बेटी का संसार खुशियों से भर उठा, और कुछ दिन बाद धूमधाम से प्रगति और अर्जुन की शादी हो जाती है। प्रगति की किस्मत अब बिल्कुल बदल गई थी। अपने जीवन में अर्जुन जैसा अच्छा इंसान पाकर प्रगति बहुत खुश होती है और मन ही मन उस नन्ही तितली को धन्यवाद कहती है।
हाजीपुर नाम के एक गांव में रवीना अपनी दादी के साथ रहा करती थी। रवीना के माता पिता की मृत्यु काफी समय पहले ही हो चुकी थी। तब से रवीना अपनी दादी के साथ उनके गांव में ही रहा करती थी। उसकी दादी बहुत ही गरीब थी और वो दूसरों के खेतों में काम करके अपना और अपनी पोती रवीना के खाने पीने का इंतजाम किया करती थी। रवीना गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसके साथ उसके पड़ोस में रहने वाली एक दूसरी लड़की जिसका नाम रूबी था, वो भी उसे स्कूल में पढ़ा करती थी। रूबी गांव के अच्छे परिवार में से एक सेठ की बेटी थी, इसलिए उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, जिसका उसे बहुत घमंड था। इस वजह से वो रवीना को आए दिन नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। रूबी ना तो रवीना से कभी बात करती और ना ही घर आने के बाद पड़ोस के सभी बच्चों के साथ उसे खिलाती। उसकी इस आदत की वजह से रवीना को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो इतनी मजबूर थी कि उसके घर में आने वाला खाने पीने का सामान रूबी के खेतों से ही आता था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कह पाती थी और चुपचाप रूबी की सारी बातों को सुनकर बैठ जाती थी। लेकिन एक दिन जब उससे सहा नहीं जाता तो वो अपनी दादी से जाकर कहती है, दादी रूबी मुझे बहुत परेशान करती है, सुबह स्कूल में भी बाकी बच्चों के साथ मिलकर मुझे चिढ़ाती रहती है और घर आने के बाद भी वो पड़ोस के सभी बच्चों के साथ खेलती है, लेकिन मुझे ना तो खुद खिलाती है और ना उन बच्चों को मेरे साथ खेलने देती है। अब आप ही बताइए ना दादी, मैं क्या करूं? बेटी तुम तो जानती ही हो, हमारा अपना कोई खेत तो है नहीं जिसमें खेती करके हम अपने घर का गुजारा चला पाए, इसलिए मुझे रूबी के पिताजी के खेतों में काम करके ही अपने घर का राशन पानी इकट्ठा करना होता है। ऐसे में अगर तुम उससे लड़ाई झगड़ा करोगी तो बात आगे भी बढ़ सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसकी बातों को नजरअंदाज करो और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। ठीक है दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज के बाद रूबी की बातों की वजह से कभी भी मैं गुस्सा ना करूं और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूं। दादी की इस तरह की बातें सुनकर रवीना अंदर से बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन मजबूरी की वजह से वो रूबी से कुछ भी नहीं कह पाती और चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी एक दिन जब रूबी की माँ उसके लिए मैगी बनाती है तो रूबी मैगी को प्लेट में डालकर बाहर बैठकर खाने लगती है और रवीना को खाते खाते चिढ़ाते हुए कहती है, देख रवीना, आज मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी स्वादिष्ट मैगी बनाई है, क्या तेरी जैसी गरीब लड़की की औकात है इतनी स्वादिष्ट मैगी खाने की? तुम लोग तो बस दो वक्त की रोटी खा लो वही बहुत बड़ी बात है, और वो भी तुम्हें सिर्फ हमारी वजह से ही मिल पाती है, और मैगी भी तो हमारे खेत में नहीं उगती, जो मैं अपने पिताजी से कहकर तुझ जैसे गरीब के घर भी भिजवा दूँ और तू भी इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाकर खा सके। होगी तुम्हारी मैगी स्वादिष्ट, पर मुझे नहीं खानी और ना ही मैं तेरी जितनी लालची हूँ कि कोई चीज खाऊं और दूसरों को दिखा दिखा करके खाऊं। तो तू अपनी मैगी अपने पास ही रख और तू ही खा। रवीना रूबी को ये सब तो बोल देती है, लेकिन उस मैगी की खुशबू और उसका स्वादिष्ट रंग देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो सोचती है कि काश वो भी इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाकर खा पाती। ये सोचकर वो अपनी दादी के पास जाती है और कहती है, दादी आज रूबी की माँ ने उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट मैगी बनाई है और वो मुझे दिखा दिखा कर चिढ़ा चिढ़ा कर खा रही थी। उसकी मैगी देखकर मेरा भी मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगी ताकि मैं भी बाजार से मैगी लाकर बनाकर उसे खा सकूं? बेटी वो बड़े लोग हैं, उनके घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो जो चाहे वो खरीद कर खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को तो अनाज भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए रुपए नहीं है बेटा। अपनी दादी की ये बातें सुनकर रवीना बहुत उदास हो जाती है
और वो दादी से गुस्सा होकर बड़बड़ाते हुए घर से निकल जाती है। गुस्से की वजह से रवीना चलते चलते घर से काफी दूर निकल जाती है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वो चलते चलते तब जंगल में पहुंच गई। वहां पहुंचकर जब उसे होश आता है तो उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, हे ऊपर वाले, आपको ये सब मेरे साथ क्यों करना था? आपने मेरी माता पिता को मुझसे छीन कर मेरे साथ बहुत गलत किया है। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ खुश रहते हैं और अपनी पसंद की सारी चीजें खाते हैं और पीते हैं, लेकिन मैं अपनी किसी भी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रही हूँ। आज रूबी को मैगी खाते देखकर मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं भी मैगी बनाकर खा पाती, लेकिन ना तो मेरी दादी के पास इतने पैसे हैं कि वो मुझे मैगी लाकर दे सके और ना ही मेरे माता पिता हैं जो मेरी इस इच्छा को पूरा कर पाए। आप प्लीज मेरी कुछ मदद कीजिए। रवीना को रोता हुआ देखकर उस पेड़ में से एक परी प्रकट होती है और वो रवीना से कहती है, बेटी मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है। मैं जानती हूँ कि तुम बिन माँ बाप की बच्ची हो और तुम्हें मैगी खाने की इच्छा हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं एक परी होने के नाते गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करती रहती हूँ ताकि उन्हें कभी उनके माता पिता की याद में रोना ना पड़े और उनकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो सके। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी गुफा बताऊंगी जिसमें काफी सारी मैगी तुम्हें अपने लिए मिल जाएंगी, साथ ही तुम अपने अलावा और भी गरीब और अनाथ बच्चों की मदद भी कर पाओगी और ऐसे तुम अपनी इच्छा पूरी भी कर लोगी और दूसरे गरीबों की भी इच्छा पूरी कर पाओगी। इतना कहकर परी रवीना को जादुई मैगी की गुफा का रास्ता बता देती है, जो कि जंगल के अंदर से होते हुए नदी पार करके दूसरी तरफ होता है। परी के रास्ता बताने के बाद रवीना परी से कहती है, परी रानी, आपने मुझे उस जादुई मैगी की गुफा का रास्ता बताकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब उस जादुई मैगी की गुफा की मदद से सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और भी गरीब और अनाथ बच्चों की मदद कर पाऊंगी और उनकी मैगी खाने की इच्छा भी पूरी कर पाऊंगी। रवीना के इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद रवीना उस जादुई मैगी की गुफा की तरफ चल देती है और कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँच कर वो देखती है कि उस जादुई मैगी की गुफा में चारों तरफ मैगी के ढेर सारे पैकेट लटक रहे थे। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनमें से काफी सारे मैगी के पैकेट अपने साथ ले आती है। फिर वो मैगी बनाकर खा लेती है और अपनी मैगी खाने की इच्छा को पूरा कर पाती है। उसके बाद वो एक मैगी की दुकान भी खोल लेती है जिसमें वो गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त में मैगी बनाकर उन्हें खाने को देती है। इस प्रकार से वो अपने साथ साथ और भी गरीब और अनाथ बच्चों की इच्छाओं को पूरा करके खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। जामनगर गाँव में सुहानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो पूरे गांव में सबसे भोली भाली लड़की थी। स्कूल और गांव की कुछ लड़कियां सुहानी के भोलेपन का फायदा उठाती थी। एक दिन सुहानी अपनी माँ से कहती है, माँ बहुत दिन हो गए मैं स्कूल में कुछ अच्छा लेकर नहीं गई। रोज वही रोटी सब्जी, आज आप मेरे लिए छोले भटूरे बना दो ना। ठीक है बेटा, बना देती हूँ। और फिर सुहानी की माँ उसके लिए छोले भटूरे बना देती है। उसके बाद सुहानी स्कूल चली जाती है। स्कूल में रिसेस के टाइम सभी बच्चे अपना अपना टिफिन बॉक्स खोलते हैं। सुहानी जैसे ही अपना टिफिन बॉक्स खोलती है, उसके छोले भटूरे की खुशबू पूरे क्लास में फैल जाती है। उसके पीछे दो शातिर लड़कियाँ बैठी थी, वो दोनों आपस में बातें करती हैं। अरे द्रोड़ी, सुहानी के टिफिन बॉक्स से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा क्या लेकर आई है? चल उसके पास जाकर देखते हैं।
उसके बाद वो दोनों लड़कियाँ सुहानी के पास आ जाती हैं। अरे वाह छोले भटूरे, देखने में तो ये बहुत टेस्टी लग रही हैं। हाँ मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है और छोले भटूरे तो सबसे अच्छा बनाती है। मैं 3 भटूरे लेकर आई हूँ, एक मैंने खा लिया, बाकी एक एक तुम दोनों ले लो। फिर दोनों लड़कियाँ छोले भटूरे ले लेती हैं। ये तो बहुत टेस्टी है सुहानी, कल फिर से छोले भटूरे लेकर आना। हाँ हाँ जरूर लेकर आऊंगी। इस तरह वो दोनों लड़कियाँ सुहानी से बहुत प्यार से बात करती हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है और अचानक स्कूल की एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज सुहानी के कानों में जाती है। सुहानी उसे पहले से ही जानती थी। सुहानी उस लड़की के पास जाती है और उससे कहती है, अरे क्या हुआ पिंकी? मैं घर से छाता लेकर आई थी लेकिन किसी ने मेरा छाता चुरा लिया। अब मैं इतनी तेज बारिश में घर कैसे जा पाऊंगी? इतनी सी बात है तो तुम रो क्यों रही हो? मेरा छाता है ना, तुम मेरा छाता ले लो। आप बहुत अच्छी हो सुहानी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पिंकी घर चली जाती है। रास्ते में सुहानी भीगते हुए जा रही थी और उसके आगे रोली और ट्विंकल चल रही थी। तभी ट्विंकल रोली से कहती है, अच्छा हुआ मैंने उस पिंकी का छाता चुरा लिया, वरना हम दोनों भी अभी भीगते हुए जा रहे होते। किसी को पता भी नहीं चला कि तुमने उसका छाता चुराया है, बेचारी अपना छाता ढूंढ रही होगी। सुहानी उनकी ये बातें सुन लेती है और उनके पास जाकर उनसे कहती है, ये तुम दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें उसका छाता वापस दे देना चाहिए। तुम कौन होती हो हमें सीख देने वाली? आज क्लास में प्यार से बात क्या कर लिया? अपने आप को हमारी दोस्त समझने लगी? तुम जैसी बेवकूफ लड़की से तो कोई दोस्ती ही ना करना चाहे, आ गई हमें सीख देने। उसके बाद दोनों बातें करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उन दोनों की बातें सुनकर सुहानी को बहुत दुख होता है। फिर सुहानी सारी बातें भूलकर आगे बढ़ती है। तभी उसे रास्ते में एक परी रोककर कहती है, तुम भीगते हुए क्यों जा रही हो? तुम्हारे पास छाता नहीं है क्या? अपने सामने परी को देखकर सुहानी को खुद की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या आप परी हो? मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैं इस गांव के राजकुमार से मिलने आई थी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मैं इस बारिश की वजह से वापस परीलोक नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ खड़ी थी कि तभी तुम मुझे यहाँ नजर आ गई। मेरा छाता? मुझे पता है तुमने अपना छाता पिंकी को दे दिया है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो सुहानी। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और तो और आपको उस लड़की का नाम भी पता है जिससे मैंने अपना छाता दिया था। मैं किसी को भी देखकर उसका नाम पता लगा सकती हूँ, मैं सब जानती हूँ। ये सब जाने दो, मैंने तो तुम्हें ये छाता देने के लिए रोका था। उसके पास सिंड्रेला सुहानी को छाता दे देती है। अब तुम जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। और हाँ, इस छाते का बड़े ही सूझबूझ से इस्तेमाल करना। इसके बाद सुहानी छाता लेकर घर जाने लगती है। फिर सुहानी वो छाता खोलती है। वाह कितना सुंदर छाता है। तभी वो छाता बोलता है, सुहानी मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे तुम तो बोल रहे हो। हाँ क्योंकि मैं एक जादुई छाता हूँ, बताओ तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? मैं तो बस इस जोरदार बारिश से बचना चाहती हूँ। तुम्हें मुझे हाथों से पकड़ने की जरूरत नहीं है, तुम जहाँ जहाँ जाओगी मैं अपने आप तुम्हारे साथ चलता रहूँगा। उसके बाद सुहानी छाता छोड़ देती है और छाता अपने आप सुहानी के साथ चल रहा था। चलते चलते सुहानी
ट्विंकल और रोली से आगे निकल जाती है। वो दोनों ये सब कुछ देख लेती हैं और आपस में बोलती हैं, रोली तुमने देखा, सुहानी का छाता बिना पकड़े ही चल रहा है। हाँ, काश ये छाता हम दोनों के पास होता। चलो ट्विंकल, इस छाते को हम दोनों हड़प लेते हैं। दोनों सुहानी के पीछे पीछे चलने लगती हैं। तभी सुहानी की नज़र रास्ते में एक बूढ़े आदमी पर गई। वो आदमी अपने घर की चौखट पर बैठकर रो रहा था। सुहानी उस बूढ़े आदमी के पास गई और उनसे पूछा, क्या हुआ दादाजी? बिटिया, मेरे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बारिश की वजह से मैं भीख मांगने भी नहीं जा पा रहा हूँ। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तुमने इतना बोला यही बहुत है बेटा। काश आपके घर में बहुत सारा राशन आ जाए और आपकी ये छोटी सी कुटिया एक पक्के मकान में बदल जाए। कि उसी वक्त जादुई छाते से तेज रोशनी निकलती है और बूढ़े दादा की कुटिया पक्के मकान में बदल जाती है और उनके घर में बहुत सारा राशन आ जाता है। बूढ़े दादा ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। सुहानी समझ जाती है कि ये जादुई छाते का ही कमाल है। थोड़ी देर बाद बारिश भी बंद हो जाती है और सुहानी छाता बंद करके अपने घर की तरफ निकलती है। वो दोनों लड़कियाँ ये सब कुछ देख रही थी। ये तो जादुई छाता है। उसके बाद दोनों सुहानी के पास आ जाती हैं। सुहानी, हमें अब एहसास हो गया है कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी। हमें पिंकी का छाता नहीं चुराना चाहिए था। ये लो, तुम उसे उसका छाता वापस कर देना। ठीक है, अपने छाते को देखकर पिंकी बहुत खुश हो जाएगी। वैसे सुहानी, तुम्हारे हाथ में जो ये छाता है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्या तुम इसे हमारे हाथ में दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। देखो सुहानी, हमने तुम्हारी बात मानकर पिंकी का छाता दे दिया। अब उसके बदले में तुम हमें क्या दोगी? ये तो पिंकी का ही छाता था, वही तुमने वापस किया है। इसके लिए मैं तुम्हें क्या दूँ? तुम्हारा ये छाता हमें बहुत अच्छा लगा, तुम हमें ये दे दो। लेकिन ये तो मेरा छाता है। है नहीं था, अब ये हमारा छाता है। नहीं, तुम ऐसा मत करना, मुझे मेरा छाता वापस कर दो। अगर हिम्मत है तो अपना छाता हमसे लेकर दिखा। उसके बाद ट्विंकल सुहानी को धक्का देकर गिरा देती है। तभी सिंड्रेला परी फिर से वहाँ पर आ जाती है। तुम दोनों उसे तंग क्यों कर रही हो, उसे उसका छाता वापस कर दो। लेकिन दोनों परी को भी उल्टा जवाब देने लगती है। नहीं दे रहे, क्या कर लोगी तुम? आखिरी बार बोल रही हूँ, सुहानी का छाता उसे वापस कर दो। उसके बाद ट्विंकल जादुई छाते से बोलती है, हे जादुई छाते, इस परी और सुहानी को मार मार कर यहाँ से भगा दो। ट्विंकल के इतना कहते ही जादुई छाता उन दोनों की पिटाई करने लगता है। दोनों रोते हुए वहाँ से वापस भाग जाती है। उसके बाद सुहानी को अपना छाता वापस मिल जाता है। फिर सुहानी सिंड्रेला परी का धन्यवाद कहती है और जादुई छाता लेकर घर वापस चली जाती है। जादुई छाते के आने के बाद सुहानी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है और वो एक बहुत बड़े से स्कूल में पढ़ने लगती है। इस तरह उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जीवन गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।